Good afternoon students, welcome to your maths class. Today we will continue our second chapter, that's name is fun with numbers. Students, today's our topic is expanded form. Expanded means खोल कर लिखना. जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं 26, तो ये तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है 26. ये बना कैसे हैं? जैसे आपने बोला 20, फिर बोला 6, यानी कि 20 प्लस 6 बना 26. तो जो ये इस तरीके से लिखा है, ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि किसी भी नंबर को खोल करके लिखना. ठीक है जी, फैला करके लिखना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. तो जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो बहुत ही इजी होता है. जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया है 72, तो जैसे मैंने बोला 70, फिर बोला है 2, तो लीजिए मैंने 70 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, तो इसको मैंने 72 लिख दिया. ये भी 72 ही है और ये भी 72 है, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है. ठीक है जी, एक तो तरीका ये है कि आपने बोला और उसके बाद लिख दिया है. दूसरा यही है, 72 को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और इसको देखिए, ये 7 है, 7 को एज इट इज़ लिखिए, 7 के बाद वाले नंबर को 7 के साथ में एज अ ज़ीरो लिख दीजिए, फिर जो नंबर है उसको लिख दीजिए. यानी कि जिस भी नंबर को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस भी डिजिट को कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी नंबर है उतने ही आपको ज़ीरो लगा देने, फिर प्लस के बाद फिर उससे नेक्स्ट वाला नंबर को लेना है, फिर उसके बाद जो नंबर है उसकी जगह ज़ीरो लगाना है. तो ऐसे करके कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा 55. तो देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, 50, तो लीजिए मैंने 50 लिख दिया, फिर 5, ये लीजिए 5, 55. ठीक है जी, अब नेक्स्ट है 692. तो 600, ठीक है, 600 को 600 लिखा, फिर 90, तो मैंने 90 लिखा, फिर बोला हमने 2, तो हमने 2 लिखा. देखिए 692 वही लिखा मैंने, 692. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं. नेक्स्ट है 370, तो लीजिए 370. अच्छा, कभी कभी आपको अगर रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, जैसे कि 0 वंस है, 7 टेंस है और 300 है, तो इससे हमें पता चलेगा नंबर कहाँ तक गया है. यानी कि 3 के ऊपर 100 है तो 300 तक है ये, 370. अब ये है 962, तो ये लीजिए 900 प्लस, फिर 60 प्लस, फिर क्या है 2, तो मैंने लिखा 900 60 62 2. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 209. ओनली 9 बोला है, 19 या फिर जो है 92 91, कुछ आगे नंबर नहीं है, सिर्फ ओनली 9 है, तो मैंने ओनली 9 लिख दिया है. 200 बोला 200 लिख दिया है, ओनली 9 बोला मैंने ओनली 9 लिख दिया है. ठीक है जी,
समझ आया आपको? इसी तरह हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 319, है ना? तो 300 लीजिए, 300, अब आ गया 19। जैसे कि 20 बोलते तो 20 लिख देते हैं, 30 बोलते तो 30 लिख देते हैं, 40 बोलते तो 40, वो तो सीधा पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, कि जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिखिए, ये लिख दिया, उसके बाद जो भी नंबर है उसकी जगह आप 0 लगा दीजिए, तो हो गया 10 प्लस लास्ट में जो नंबर बचा है वो लिख दीजिए, हो गया 319। 300 ये लीजिए, इन दोनों को मिला कर 19 हो जाएगा, 19। ऐसे ही अगर 212 एक नंबर है तो कैसे लिखेंगे, ये 200, तो हमने किया 212। अब ये 2 की जगह 2 लिखा था, है ना, 2 नंबर्स थे तो 20 आ गए। यहाँ पर अगले नंबर को लेना है 1, इसके बाद एक नंबर है तो ये लीजिए 0, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर लास्ट में जो बचा है 2 वो लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 212। ठीक है, ऐसे ही अगर हो 701, तो इसको कैसे लिख देंगे, 700, 700 बोला, 701, 1 बोला है ना, तो 701। ऐसे ही 536, मान लीजिए मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं मालूम है कि ये 100 में है, 1000 में है या कैसे है, तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इनके ऊपर वंस टेंस कीजिए, वंस टेंस 100। जैसे ही आपने वंस टेंस 100 किया, आपको पता चल जाता है आपके लेफ्ट साइड में जो लास्ट डिजिट होगा उसके ऊपर क्या है, 100। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर 100 तक गया है, तो ये कितना है 100 के नीचे, 5, तो ये लीजिए 500। फिर ये 0 है जी, फिर 36, इसको तो 36 बोलेंगे, तो लीजिए 30, फिर 6, हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ये एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है देन यू कैन आस्क। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।